स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल द बाइकस्टर। कैसे हो बच्चों आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी मॉक टेस्ट 2। क्वेश्चन सभी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग ही सेट किए गए हैं। आई होप वीडियो आपको पसंद आएगी। आज के वीडियो में आंसर्स नहीं दिए गए हैं, आंसर आपको वीडियो के लास्ट में पता चलेगी। हम क्वेश्चन सिर्फ डिस्कस करेंगे और अगर आपको उस क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप साइड में अपनी एक कॉपी में आंसर्स को नोट डाउन करते चलिएगा। इससे क्या होगा कि आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आपकी कितनी प्रिपरेशन है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन वन है, द ट्राइजोमी फॉर 21st क्रोमोसोम इज कॉल्ड। ट्राइजोमी फॉर 21st क्रोमोसोम बहुत ईजी क्वेश्चन है, NCERT का क्वेश्चन है आपका। ऑप्शन आर डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, सिकल सेल एनीमिया, क्लिनफिल्टर सिंड्रोम। आई होप इसका आंसर तो आपको पता ही होगा एंड इसका आंसर है ऑप्शन ए, डाउन सिंड्रोम। अब आपको कमेंट सेक्शन में मुझे टर्नर सिंड्रोम और क्लिनफिल्टर सिंड्रोम का कोज बताना है। ठीक है, अगर आप कमेंट में भी नहीं बताते तो आपको ये खुद से पढ़ना है, क्लिनफिल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम और सिकल सेल अनिमिया के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, मेमेलियन थाइमस इज मेनली कंसर्न विद। ऑप्शन आर रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, रेगुलेशन ऑफ बॉडी ग्रोथ, इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन, सिक्रीशन ऑफ थायरोट्रोपिन। तो मेमेलियन थाइमस का मेन फंक्शन क्या है, वो किस चीज़ से कंसर्न है बेसिकली? रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर आपको पता होना चाहिए हमारी बॉडी में कौन सा पार्ट करता है। तो इसका रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर होता है बच्चों हाइपोथैलेमस से। अगर आपको ये पता नहीं है तो आप साथ साथ कॉपी में नोट करते चलिएगा। नेक्स्ट आपका रेगुलेशन ऑफ बॉडी ग्रोथ, रेगुलेशन ऑफ बॉडी ग्रोथ जो है वो आपके ग्रोथ हॉर्मोन से कंसर्नड होती है। जो सिक्रीट कौन, जिसे कौन सिक्रीट करता है? एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। ठीक है, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। सिक्रीशन ऑफ थायरोट्रोपिन, सिक्रीशन ऑफ थायरोट्रोपिन। थायरोट्रोपिन कहाँ से सिक्रीट होता है? थायरॉइड ग्लैंड से। ठीक है, थायरॉइड ग्लैंड से। तो ऑप्शन क्या बचा? इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन। तो मेमेलियन थाइमस इज मेनली कंसर्नड विद इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब थाइमस से आप आइडिया लगा सकते हैं कि जो प्रोडक्शन ऑफ लिम्फोसाइट, ठीक है, टी लिम्फोसाइट, और टी लिम्फोसाइट से क्या करते हैं, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं, लिम्फोसाइट प्रोड्यूस करते हैं, जो हमारी बॉडी को डिजीज से दूर रखते हैं, डिजीज से इम्यून रखते हैं। तो इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन अडल्ट ह्यूमन। लार्जेस्ट ग्लैंड इन अडल्ट ह्यूमन बताना है। थाइमस, लीवर, थायरॉयड, पैंक्रियाज। ईजी क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। तो जो हमारा लार्जेस्ट ग्लैंड होता है एक अडल्ट ह्यूमन में, वो है ऑप्शन बी, इनफेरेटिमस सेप्टा आर एब्सेंट बिटवीन विच सेगमेंट। फेरेटिमस में के अंदर सेप्टा जो होते हैं वो किस सेगमेंट में एब्सेंट होते हैं? ठीक है, तो ऑप्शन आर 3, 4, 9, 10 सेगमेंट, 4, 5, 8, 9 सेगमेंट, 5, 6, 7, 8 सेगमेंट, 7, 8, 6, 7 सेगमेंट। तो जो सेप्टा एब्सेंट होते हैं वो होते हैं ऑप्शन ए में। ठीक है, 3, 4, 9, 10 याद रहेगा। फेरेटिमा होता क्या है आपको पता है? फेरेटिमा क्या होता है? अर्थवर्म। नेक्स्ट पर आते हैं, ड्यूरिंग एन इमरजेंसी विच ऑफ द फॉलोइंग हॉर्मोन इज सिक्रेटेड। एमरजेंसी के दौरान कौन सा हार्मोन सिक्रीट होता है? ऑप्शन सी, एड्रेनलिन। ठीक है, एड्रेनलिन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल रेस्पिरेशन अकर विदाउट एनी रेस्पिरेटरी ऑर्गन। किस एनिमल के अंदर रेस्पिरेशन होता है बिना किसी रेस्पिरेटरी ऑर्गन के? ऑप्शन आर फ्रॉग, फिश, कॉकरोच, अर्थवर्म। तो अर्थवर्म जो है रेस्पायर करते हैं पर लेकिन उनके पास कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होता। वो जो गैसेस का एक्सचेंज करते हैं वो अपनी स्किन के थ्रू करते हैं। ठीक है, स्किन के थ्रू अपना गैसेस का एक्सचेंज करते हैं, दैट इज जिसे कहा जाता है क्यूटेनेशियस रेस्पिरेशन। क्यूटेनेशियस रेस्पिरेशन, और स्पेलिंग CUTANEOUS, क्यूटेनेशियस रेस्पिरेशन। क्वेश्चन सेवन, इन कॉकरोच लार्वल एंड निम्फल कैरेक्टर्स आर मेंटेन्ड बाय। तो कॉकरोचेस में लार्वल और निम्फल कैरेक्टर को मेंटेन कौन करता है? ऑप्शन आर एक डायसोन, सेलिवरी ग्लैंड, पैरेटिड ग्लैंड,
जुवेनाइल हार्मोन। तो कॉकरोचेस के अंदर जो लार्वल और निम्फल कैरेक्टर्स हैं वो कौन मेंटेन करता है? ऑप्शन डी जुवेनाइल हार्मोन, जुवेनाइल हार्मोन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रांसपेरेंट टिश्यू? टेंडन, फाइब्रस कार्टिलेज, हाइलिन कार्टिलेज, ऑल ऑफ दीज। तो आपको बताना है, ट्रांसपेरेंट टिश्यू बताना है आपको। इसमें तीनों में से ट्रांसपेरेंट टिश्यू कौन सा होता है? तो टेंडन, फाइब्रस कार्टिलेज, हाइलिन कार्टिलेज। तो इसके अंदर जो ट्रांसपेरेंट टिश्यू है आपका वो है ऑप्शन सी हाइलिन कार्टिलेज। ठीक है, हाइलिन कार्टिलेज। इन कार्टिलेज के अंदर कोई फाइबर्स नहीं होते हैं, ठीक है, और ट्रांसपेरेंट मैट्रिक्स होती है। नेक्स्ट है आरएच फैक्टर इज प्रेजेंट इन। आरएच फैक्टर किस में प्रेजेंट होता है? ऑल वर्टेब्रेट्स, ऑल मैमल्स, ऑल रेप्टाइल्स। ऑप्शन डी मैन एंड रिशियस मंकी ओनली। तो इसका ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा, मैन एंड रिशियस मंकी ओनली। अब आरएच फैक्टर को डिस्कवर किसने किया था? के लैंडस्टीनर ने, याद रहेगा के लैंडस्टीनर ने। इन रैबिट एंड ऑफ अ लॉन्ग बोन इज कनेक्टेड इन अनदर बाय। जो रैबिट्स के अंदर एक लॉन्ग बोन एक एंड से दूसरे एंड पर किस चीज़ से कनेक्ट होती है? टेंडन, लिगामेंट, मसल, कार्टिलेज। तो जो ऑप्शन है इसका बच्चों बी सही हो जाएगा, लिगामेंट्स। ठीक है, ऑप्शन बी लिगामेंट्स। लिगामेंट्स के थ्रू अटैच होती है रैबिट्स के अंदर। क्वेश्चन 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल टाइप इज कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू अदर सेल टाइप इन स्पॉन्जेस। स्पॉन्जेस के अंदर एक सेल से दूसरा सेल बनाने के लिए कौन से सेल्स जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं? थियोसाइट्स, पिनाकोसाइट्स, स्नाइडोसाइट्स, आर्क्योसाइट्स। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, आर्क्योसाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 12, थिग्मोटैक्सिस इज नॉट शोन बाय। ऑप्शंस आर पैरामीशियम, अमीबा, एस्केरेसिस, हाइड्रा। तो जो थिग्मोटैक्सिस है वो कौन शो नहीं करता? ऑप्शन सी एस्केरेसिस शो नहीं करता है, अमीबा थिग्मोटैक्सिस शो करता है और हाइड्रा भी करता है। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं, विच इज़ करेक्टली मैच एपिकल्चर हनी बी, पिसीकल्चर सिल्क मोथ, सीरीकल्चर फिश, एक्वाकल्चर मस्किटो। तो इनमें से जो करेक्टली मैच है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, एपिकल्चर हनी बी। चेंज दैट अलाउ द कन्वर्जन ऑफ लार्वा इन टू एडल्ट इज कॉल्ड। लार्वा से एडल्ट में जो चेंजेस होते हैं, कन्वर्जन होता है, उसे उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? मेटाजेनेसिस, अल्टरनेशन, मेटामॉर्फोसिस, मेटास्टेसिस। तो इसका ऑप्शन आपको पता हो, आंसर पता होना चाहिए कि जब लार्वा से एडल्ट में कन्वर्जन होता है उस प्रोसेस को कहा जाता है ऑप्शन सी मेटामॉर्फोसिस। एनिमल्स हैविंग अ बिल्ट इन थर्मोस्टेट टू मेंटेन कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर आर नोन एज। कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर बायोथर्मिक, पॉइक्लोथर्मिक, ओलिगोथर्मिक, होम्योथर्मिक। तो जिस एनिमल जिसके अंदर जो अपना बॉडी टेम्परेचर कॉन्स्टेंट मेंटेन रख सकते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन डी होम्योथर्मिक। ठीक है, होम्योथर्मिक। द इंटरमीडिएट होस्ट ऑफ सिस्टोमा इज स्नेल, मस्किटो, हाउस फ्लाई, शिप। शिस्योटोमा, स्नेल, मस्किटो, हाउस फ्लाई, शिप। तो इसका ऑप्शन बच्चों स्नेल हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका स्नेल। और सिस्टोसोमा क्या होता है? कॉमन ह्यूमन ब्लड फ्लू, जिसे ब्लड फ्लू कहा जाता है, उसका साइंटिफिक नेम है सिस्टोसोमा मेनोसोनी। ठीक है, सिस्टोसोमा मेनोसोनी। और ये किससे बिलोंग करता है? प्लेटीहेलमिंथिसिस से बिलोंग करता है। और इंटरमीडिएट होस्ट कौन होता है इसका? स्नेल। ठीक है, स्नेल। द आइलेट ऑफ लैंगड्स आर फाउंड इन पैंक्रियास, स्टमक, लीवर, एलिमेंट्री कैनाल। तो जो आइलेट्स ऑफ लैंगड्स है कहाँ पे पाए जाते हैं? ऑप्शन ए वेरी सिंपल, पैंक्रियास। पैंक्रियास, ये एल नहीं आएगा यहाँ पर, पैंक्रियाज इसका ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, द विटामिन विच इज असेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग इज। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के। आपको पता होना चाहिए इसका आंसर भी, विटामिन के हो जाएगा इसका आंसर।
विटामिन एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग इज विटामिन के. नेक्स्ट है द फीमेल जेनाइटल पोर ऑफ फेरेटिमा पोस्थमा लोकेटेड अपॉन द सेगमेंट. फीमेल जेनाइटल पोर फेरेटिमा पोस्थमा में किस सेगमेंट पर प्रेजेंट होता है. 14, 16, 18, 15. तो किस सेगमेंट पर प्रेजेंट होता है, वो है 14th. ठीक है, 14th सेगमेंट पर आपका जो अर्थवर्म के अंदर फीमेल जेनाइटल पोर है वो 14th सेगमेंट पर प्रेजेंट होता है. याद रहेगा 14th सेगमेंट पर प्रेजेंट होता है. पॉलीफेज इज एब्सेंट इन. पॉलीफेज किसके अंदर एब्सेंट होता है, हाइड्रा, ओरिलिया, फाइसिलिया, ओबेलिया. तो पॉलीफेज जो है किसके अंदर एब्सेंट होगा, ऑप्शन बी ओरेलिया के अंदर. ठीक है, ओरेलिया के अंदर आपका पॉलीफेज जो है एब्सेंट होगा. और इसी के साथ वीडियो का एंड होता है. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो बच्चों वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में आकर पूछ सकते हैं. और अब बारी है आंसर की ठीक है, तो आप ये आंसर की आप देख सकते हैं और अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं इनके आंसर्स. मैं बहुत स्लो कर रही हूँ जिससे आप अच्छे से नोट डाउन कर सकें. आप वीडियो पॉज करके भी नोट डाउन कर सकते हैं. चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर. अपनी प्रिपरेशन पर ध्यान दीजिए.